हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आज मैं आपके साथ वही सेम हेल्दी रेसिपी लाई हूँ, जो कि है वेट लॉस रोटी। काफ़ी हेल्दी रोटी है। चलिए इसका मैं दिखाती हूँ क्या क्या हमें चाहिए होगा। तो मैंने 130 ग्राम ये गोभी है वो लिया है, और ये कोरिएंडर है, कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया, और 3 हरी मिर्चें लिए यानी ग्रीन चिलीज़, और पनीर लिया है मैंने 30 ग्राम, ये हमें चाहिए होगा। और 1 अनियन, ये मीडियम साइज़ की अनियन है, आपको ये लेना है। इसे चॉपर में मैं चॉप कर लूँगी बिल्कुल। आप हो सके, आपके पास ये नहीं है तो आप अपने हाथ से बिल्कुल बारीक बारीक इसे कट कर लिए। फिर ये मैंने आटा लिया है, थोड़ा सा, 1 कटोरी आटा है। इसमें ये जो जितना भी सब था इसमें ये ऐड कर दूंगी। जब मैंने ये आटा गूंदा था इसमें मेरा 1/2 कप जो वो होता है चाय का कप होता है मेरा, वही पानी गया था, क्योंकि वेजिटेबल्स भी काफ़ी वैसा था पानी पानी। तो ये हिमालय पिंक सॉल्ट ऐड करा है मैंने 1/2 स्पून। इसके मेरे 6 से 7 6 बने थे, 6 रोटी मेरी बन गई थी अच्छी खासी। तो बहुत ज़्यादा फीलिंग थी, और बहुत ज़्यादा हैवी सा लग रहा था, मतलब भूख नहीं लग रही थी इसे शाम तक मेरे को ये खाने के बाद। तो इसको मैं अच्छे से पहले तो मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है इसको, उसके बाद थोड़ा सा मैं पानी लूँगी, कुछ थोड़ा सा। फिर इसको अच्छे से क्या कहते हैं वो गूंधना, आटे को गूंधूंगी। थोड़ा सा और पानी लूंगी। तो चाय का जो कप होता है सिर्फ 1/2 कप से भी कम ही पानी लगा था इसमें। अच्छे से इसको गूंधूंगी। तो ये जो है रोटी, 6 रोटियां बनी थी, काफ़ी अच्छी, मतलब सही साइज़ था इसका भी। 2 में मेरा पेट भर गया था, और अब्बू का भी, और जो 2 थी वो अली छोटा बेबी है मेरा, उन्होंने खाई थी। अच्छे से मुखिया मारनी है इसमें, मुखिया अच्छे से गूंदना है इसको। फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी इसको मैं ढककर। तो अब हम इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये ये मेरी 3 बना रही हूँ। तो ये मैंने बेल लिया है पहले, ये तवे पे डाल दी है मैंने, ये सिक गई है। हल्का सा मैं ऊपर से इसमें देसी घी लगाऊंगी, ये ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो। देसी घी काफ़ी हेल्दी होता है, ऐसा नहीं कि वेट बढ़ाता है। आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लंच में ले सकते हैं देसी घी, बाकी डिनर में ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ। आप इसे डिनर में, ब्रेकफास्ट में, या फिर लंच में ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिनर में ले रहे हैं तो इसमें घी ऐड नहीं करें। तो ये मेरा रेडी है। तो ये 3 चपातियाँ हैं, वो मैं आप ग्रीन चटनी के साथ, और जो होती है ना रेड चिली और गार्लिक की चटनी क्यूमिन सीड्स की, उसके साथ मैं इसे इंजॉय करूँगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, कोई अच्छी से स्वीट रेसिपी लाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।